नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल दुनिया आप लोग के लिए लेकर आया है टेक्सटाइल न्यूज, जिसमें कि हम टेक्सटाइल से संबंधित सारी खबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा बताएंगे। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है GST। लेकिन घबराइए मत, हम आपको कई वीडियो के द्वारा GST के लिए बड़ी आसानी से रेडी कर देंगे। और ये जो वीडियो है ये हमारे सूरत के टेक्सटाइल ट्रेडर्स के लिए है। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में आता था एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विस टैक्स। अभी ये सब सरकार ने हटा करके एक सिंगल टैक्सेशन कर दिया है और उसको वो बुला रहे हैं GST। GST कोई भी सप्लाई पे लगेगा, सप्लाई चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो। हमारी सरकार कह रही है अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एक कंपनी से किसी कस्टमर को पास ऑन किया तो उस पर आपको GST लगाना रहेगा। लेकिन ये जो भी टैक्स आप अपने बिल पर लगा करके देंगे वो आपको अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है, वो आपको अपनी जेब से नहीं भरना। टेक्सटाइल के ट्रेडर्स अभी तक टैक्स लायबिलिटी से वंचित थे, लेकिन अब टेक्सटाइल के सभी ट्रेडर्स को GST टैक्सेशन में आना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमारा प्रोडक्ट इससे महंगा होगा? हाँ दोस्तों, आइए हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये आपका प्रोडक्ट महंगा कर सकता है। GST से पहले वीवर जो भी यान खरीदता था उस पर 12.5% एक्साइज और 5% वैट भरता था। ये टैक्स का क्रेडिट वीवर नहीं ले सकता था क्योंकि वीवर आपको टैक्सेबल बिल नहीं बनाकर दे सकता था। अब GST के बाद वीवर अगर मैनमेड यान खरीदता है तो उसमें 18% टैक्स, और अगर नेचुरल यान खरीदता है तो उसमें 5% टैक्स भर करके लेगा। लेकिन वो इसमें से 5% क्रेडिट यूज कर सकता है जो टैक्स वो आपको ग्रे के बिल में लगा करके देगा। तो इससे हो सकता है कि जो ग्रे आपके पास आ रहा है वो 5% सस्ता हो जाए, अगर वो बेनिफिट वीवर आपको पास कर रहा है तो। फिर वो ग्रे आप मिल में भेजते हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग के लिए। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि GST कोई भी गुड्स के सप्लाई पे लगता है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं जब भेजूंगा क्या मुझे तब भी GST लगेगा? आइडियली हाँ, लेकिन हमारी सरकार ने एक ऐसा प्रावधान रखा है कि जरूरी नहीं है कि आप जब भी कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सेल ऑफ गुड्स है। हो सकता है कि वो आप गुड्स कोई जॉब वर्क के लिए प्रोसेस करवाने के लिए दे रहे हो। इस केस में आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कि मेरा इतना गुड्स ये जगह पे जा रहा है जॉब वर्क के लिए। याद रखिए कि जो भी गुड्स आपका जॉब वर्क ले जाएगा वो जॉब वर्क में तभी गिनाया जाएगा जब वो गुड्स विद इन 1 ईयर आपके पास वापस आ जाता है। तो अब समझिए कि आपने गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया कि ये गुड्स आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं, आपने मिल में भेजा डाइंग एंड प्रिंटिंग के लिए, वो गुड्स आपको मिल वाला वापस भेजेगा और उसमें उसका जो भी जॉब वर्क का चार्ज होगा वो प्लस 18% टैक्स का बिल आपको देगा। फिर आप वो जो भी गुड्स हैं सेम आप वर्क या लेस के लिए भेजेंगे तो उसमें भी जो भी जॉब वर्क का चार्ज होगा वो जॉब वर्क के चार्ज प्लस 18% के साथ आपको अपना गुड्स और वो बिल रिसीव करना है। फिर आप उसमें से कुछ सैंपल भेजेंगे फोटो मॉडलिंग के लिए, तो उसमें जो मॉडलिंग वाला पार्ट है उस पर 18% GST और जो फोटो पोस्टर और कैटलॉग वाला पार्ट है उसमें 12% GST लगेगा। और आप जो भी पैकिंग मटेरियल लेंगे वो गुड्स को डिस्पैच करने के लिए उसमें 12% से लेकर 18% टैक्स लगेगा डिपेंडिंग कि वो कौन सा मटेरियल है। और फाइनली जो भी आपका गुड्स आएगा और आप जो व्यापारी को सेल करोगे वो आप अपने सेलिंग प्राइस प्लस उस पर 5% GST लगा करके अपने व्यापारी को बिल करेंगे। इनपुट टैक्स समझने के लिए अभी हम एक एग्जांपल लेंगे।
लेट्स से कि आपने परचेज करते वक्त 10 रुपये टैक्स भरा है वो गुड्स पे, और आप जब वही गुड सेल कर रहे हैं तो उस पे आप अपने कस्टमर से 20 रुपये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या जो आपने वो 20 रुपये टैक्स कलेक्ट किया है वो पूरा का पूरा आपको सरकार को भर देना है? नहीं, आपको सिर्फ 10 रुपये भरना है। क्यों? क्योंकि परचेज करते वक्त आप 10 रुपये GST ऑलरेडी भर चुके हो। ये इसलिए किया गया है ताकि टैक्स पे टैक्स ना लगे और आपका जो गुड्स है वो ज़्यादा महंगा ना हो। ये जो परचेज GST अपने को मिलता है उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब टेक्सटाइल्स के कुछ प्रोडक्ट्स में आप टैक्स लगा रहे हैं 5%, और कई प्रोसेस में आप टैक्स भर रहे हैं 18%। तो हो सकता है कि आपका जो परचेज GST हो वो आपके सेल GST से ज़्यादा है। इससे क्या इफेक्ट होगा? इससे ये होगा कि जितना आपका सेल GST है उतना तो आपको परचेज का क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब आपको वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा परचेज GST बचेगा वो आप रिफंड नहीं ले सकते हैं। ये कहलाएगा अक्यूमुलेशन ऑफ ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये अक्यूमुलेशन ऑफ ITC आपका एक कॉस्ट है जो आपके प्रोडक्ट में ऐड होकर के अपने कस्टमर को लगेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकालूं, या मैं अपने प्रोडक्ट को फाइनली किस प्राइस में अपने कस्टमर को बेचूं। तो आपका फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है कॉस्ट प्राइस, दैट इज परचेज ऑफ गुड्स विदाउट GST प्लस प्रॉफिट प्लस परचेज GST माइनस सेल GST इन केस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ITC, और इन सब में प्लस 5% GST। तो इसी कारण से हमने आपको, जैसा कि पहले बताया था, कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट GST आने के बाद महंगा हो जाए। हालांकि वरिष्ठ CA के ग्रुप्स ने और टेक्सटाइल की कई संस्थाओं ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि पूरी टेक्सटाइल के लाइन पे एक ही टैक्सेशन रहे जिससे कि एक्यूमुलेशन ऑफ ITC ना हो। और एक और रिक्वेस्ट ये की गई है कि अगर वो एक्यूमुलेशन ऑफ ITC होता है तो वो हमें रिफंड कर दिया जाए, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट ना बढ़े। ये तो हो गई GST के लागू होने के बाद की बात। अभी सूरत के व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास जो स्टॉक है उसका क्या होगा। तो अभी सरकार ने फैसला किया है कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है GST लागू होने से पहले, उस पर आपको 1% क्रेडिट दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक रूल और है कि आपको वो 1% क्रेडिट उसी गुड्स में मिलेगा जो आप GST लागू होने के 6 महीने के अंदर सेल करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे GST रजिस्ट्रेशन के बारे में, अलग अलग प्रकार के GST, आड़त और डायरेक्ट बिलिंग करने के फायदे और नुकसान। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मेल कर सकते हैं हमें gst@textiledunia.com, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट CA अनीश गोयल जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। रुकिए दोस्तों, जाइए मत, ये भी तो समझ लीजिए टेक्सटाइल दुनिया क्या है। टेक्सटाइल दुनिया एक एंड्रॉयड और आईफोन ऐप है जिससे कि आप अपने टेक्सटाइल के व्यापार को डिजिटली और भी बढ़ा सकते हैं। तो आज ही इसे डाउनलोड करें और यूज़ करना शुरू करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ बना सकें और आप तक टेक्सटाइल की जानकारी पहुँचा सकें।